महाभारत में एक समय जब महाराज धृतराष्ट्र बहुत व्याकुल थे और उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तब उन्होंने महामंत्री विदुर को बुलवाया। कुछ समय पश्चात महात्मा विदुर प्रासाद में यानी महल में महाराज के सामने पहुंच गए। महाराज धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर से कहा, जब से संजय पांडवों के यहां से लौट कर आया है तब से मेरा मन बहुत अशांत है। संजय कल सभा में सभी के सामने क्या कहेगा, ये सोच सोच कर मन व्यथित हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। ये सुनकर महात्मा विदुर ने महाराज से महत्वपूर्ण नीति की बात कही। महात्मा विदुर ने कहा, जब किसी व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, दोनों के जीवन में ये चार बातें होती है, तब उसकी नींद उड़ जाती है और मन अशांत हो जाता है। ये चार बातें कौन कौन सी है आइए जानते हैं। पहली बात, महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि यदि किसी व्यक्ति के मन में काम वासना जाग गई हो तो उसे नींद नहीं आती है। जब तक कामी व्यक्ति की वासना तृप्त नहीं हो जाती है तब तक वह सो नहीं सकता है। काम की वासना व्यक्ति के मन को अशांत कर देती है और कामी किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर पाता है। ये भावना स्त्री और पुरुष दोनों की नींद उड़ा देती है। दूसरी बात, जब किसी स्त्री या पुरुष की शत्रुता बहुत बलवान व्यक्ति से हो जाती है तो उसकी नींद उड़ जाती है। निर्बल और साधनहीन व्यक्ति प्रत्येक क्षण बलवान शत्रु से बचने के उपाय सोचता रहता है। उसे सदैव यह भय सताता है कि कहीं बलवान शत्रु के कारण कोई अनहोनी न हो जाए। तीसरी बात, यदि किसी व्यक्ति का सब कुछ हड़प लिया गया हो तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसा व्यक्ति न तो शांति से जी पाता है और न ही सो पाता है। इस परिस्थिति में व्यक्ति प्रत्येक क्षण छीनी हुई वस्तुओं को पुनः पाने की योजनाएं बनाता रहता है। जब तक वह अपनी वस्तुएं पुनः पा नहीं लेता है तब तक उसे नींद नहीं आती है। चौथी बात, यदि किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति चोरी की है, अर्थात जो चोरी करके ही अपने उदर भरण करता है, या जिसे चोरी करने की वृत्ति है, या जो दूसरों का धन चुराने की योजनाएं बनाते रहता है, उसे नींद नहीं आती है। चोर सदैव रात में चोरी करता है और दिन में इस बात से डरता है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए, इस कारण से उसकी नींद भी उड़ी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।